हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में बालोतरा पहुंचे पूर्व अशोक गहलोत। बालोतरा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी मदन प्रजापत के समर्थन को लेकर बालोतरा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वसुंधरा सरकार पर हमला बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा भूमाफियाओं को संरक्षण दे रही है, जिससे भूमाफिया हावी होते जा रहे हैं। वहीं उन्होंने पचपदरा रिफाइनरी के दोबारा शिलान्यास पर भी भाजपा सरकार का घेराव किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वसुंधरा ने कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद व संशोधन कर राजस्थान को बर्बाद कर दिया। वहीं उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का घेराव करते हुए कहा कि देश का मुखिया कहता है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं चौकीदार बनना चाहता हूं। गहलोत ने मोदी के बयान न खाऊंगा और न ही खाने दूंगा पर कहा कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बेटे ने खाते में 50 लाख जमा करवाए, जो 3 महीने बाद 80 करोड़ कैसे हो गए, यह बात समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश को खुशहाली दी और भाजपा ने बर्बादी। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी व सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोदी जी अच्छे दिन लाएंगे, ब्लैक मनी लाएंगे। आज तक 1 रुपए लेके नहीं आया है, 1 रुपए लेके नहीं आया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। नोटबंदी जरूर कर दी, सबको लाइन में लगा दिया। बालोतरा से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।